हाँ जी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड पे डिस्कस करेंगे आपके पोर्टफोलियो को, ठीक है। अब मुझे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सबका पोर्टफोलियो बना होना चाहिए, अच्छा बनाओ बुरा बनाओ जैसा भी बनाओ, लेकिन सब मुझे दिखा रहे हो, ठीक है। अच्छा सबसे आज डिस्कस करेंगे पहले हम लेवल्स के, सैलर लेवल्स कितने होते हैं, ठीक, कितनी तरह के सैलर हैं, एक सैलर कौन सा है, न्यू सैलर है, जरा इसको पहले गो थ्रू करें, नीचे आए, न्यू सैलर के बाद फिर क्या आता है, लेवल वन आता है, यानी कि पहले आप, अभी आप आओगे, फर्स्ट टाइम आपने अपना अकाउंट बनाया है, अकाउंट बनाने के बाद आप उसके ऊपर कोई अपनी फर्स्ट गिग पेस्ट करते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप न्यू सैलर हैं, ठीक है। उसके बाद आप इंप्रूव होंगे, लेवल वन पर जाएंगे, लेवल टू पर जाएंगे और फिर टॉप रेटेड सैलर पर आएंगे, ठीक है। अब ये हम देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे आप कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता है, ठीक है ना, ये भी ऐसी चीजें जिनका आपको पता होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं है कि कोई ऐसी थ्योरी है कि आपको घर बैठ के इसको जुबानी याद करना है, इसको सिर्फ समझना है आपने कि ये है क्या, कौन किस लेवल पे जाकर हम किस लेवल की कैटेगरी में होते हैं, ठीक है। सो न्यू लेवल, न्यू सैलर जो होता है, न्यू सैलर का मतलब आपका अकाउंट फ्रेश बना है अभी और आप न्यू सैलर बन गए हैं, अब आपने उस पर गिग्स लगानी है, ठीक है, तो आप लगा सकते हो, कितनी गिग्स लगा सकते हैं, अप टू 7 गिग्स लगा सकते हैं, एज ए न्यू सेलर आप 7 गिग्स लगा सकते हैं। और जब मैं फ्रीलांसिंग की क्लास पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप, क्योंकि न्यू सेलर हैं तो कुछ भी ना हो बेशक, लेकिन कम अज कम आपकी 7 गिग्स तो लगनी चाहिए, ठीक है, तो जितनी उसने आपको चॉइस दी हुई है उतनी गिग्स तो आप लगाएंगे, और गिग अच्छे तरीके से लगानी है। जब अच्छा तरीका क्या होगा, जब हम गिग लगाएंगे तो हम समझ रहे होंगे किस चीज को मैं कह रहा हूँ कि बेहतर आपने इम्प्रूव तरीके से गिग को लगाना है। अच्छा उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, मतलब सबसे पहले क्या कहता है जी कि न्यू सेलर जो है वो क्या कर सकता है, 7 गिग्स लगा सकता है, नंबर वन। नंबर टू, एड 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज पर गिग, कहता है हर गिग में। अच्छा गिग क्या है, गिग का मतलब जैसे आप यहाँ पर आओ किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ग्राफिक्स में, ठीक है, तो साथ में आपको एक एक्स्ट्रा कोर्स भी लेना चाह रहे हो कि जी आप फ्रीलांसिंग का कोर्स साथ कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया का कोर्स कर सकते, तो क्या हुआ ये एक्स्ट्रा कोर्स के तौर पर आ गया ना। सेम इसी तरीके से जब आप किसी को कुछ सर्विस सेल कर रहे होगे, अपने गिग सेल कर रहे होगे, तो आपकी एक स्टैंडर्ड गिग होगी कि भाई मैं ये चीज़ दे रहा हूँ। उसके बाद वो मिसाल के तौर पर मैं ये कहता, हम कहते हैं जनाब आप लोगो डिज़ाइन दे रहे हो, ठीक है, आप लोगो डिज़ाइन के अंदर जो उसको एडिट दे रहे हो वो 2 दे रहे हो, तो आप जाते हो एक्स्ट्रा में जाकर उसको बढ़ा देते हैं और उसके पैसे भी बढ़ा लेते हैं। यानी जब आपने उसे कोई अपनी एक्स्ट्रा सर्विस देनी होगी, रिवियंस जैसे हम कहते हैं ना, रिवियन क्या होती है कि आपने एक डिजाइन बनाकर किसी को दिया है, अब आपने उसे कहा मैं इसके 3 रिवियंस दूंगा, 5 रिवियंस दूंगा, इसका क्या मतलब है कि आप प्रूफ रीड करके मुझे दोबारा से बता दें आप इसमें कोई चेंजेस चाहते हैं ना, मैं उसे कर दूंगा। तो आप एक्स्ट्रा में जाकर मे बी रिवियंस बढ़ा सकते हैं, अगर आप SEO के बंदे हैं तो एक्स्ट्रा में जाकर आप ऐसे 3 कीवर्ड्स दे रहे हो, तो आप एक्स्ट्रा में जाकर कह सकते हो कि जनाब मैं 5 कीवर्ड्स आपको और दूंगा, उसके इतने रेट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद क्रिएट कस्टम ऑफर्स, क्रिएट कस्टम ऑफर्स का क्या मतलब है कि अपनी गिग के अंदर हम ऑफर और एक्स्ट्रा ऑफर भी दे सकते हैं, तो जब हम एक्स्ट्रा ऑफर दे रहे होंगे तो लाजमी बात है उसे हम चार्ज भी कर रहे होंगे। एक हमारी बिल्कुल बेसिक गिग होगी, जब हम पहली दफा लगाएंगे तो हम उसको यूज करेंगे, लेकिन जब आप उसके साथ एक्स्ट्रा चीजें देना चाह रहे होंगे तो लाजमी बात है बढ़ भी जाएगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब फाइवर पर सेलिंग हो रही होती है, तो मिसाल के तौर पर आपने अपनी कोई गिग लगाई है और उसकी आपने प्राइस लगाई हुई है 4000 सपोज कर लेते हैं, तो ये वाली जो प्राइस होती है ना, आप यूं समझ लो कि आप कंपटीटर्स के लिए प्राइस लगाते हो बेसिकली, मतलब ये कोई फाइनल प्राइस नहीं होती है। और ऐसा हो भी नहीं सकता कि एक बंदा आपसे काम करवाना चाहता हो और आपने जो गिग लिखी हुई है वो बंदे की सारी रिक्वायरमेंट उसमें पूरी होती हूँ, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट उस वक्त पूरी होगी जब आप उससे इंट्रैक्शन में आओगे, जब आप उससे इंटरेक्शन में आओगे फिर आपको एग्जैक्टली बताएगा कि क्या करवाना है। जैसे मैं कहता हूँ भी मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो कोई बिजनेसमैन मुझे कहता है जी मैंने करवानी है डिजिटल मार्केटिंग, मैं कहता हूँ भी मेरा पूरा पैकेज जो है 50,000 का है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि 50,000 में वो मुझसे पैकेज बाय करेगा। फिर मैं उसके पास जाके बैठूंगा, वो मुझे सब कुछ बताएगा कि भाई मुझे ये करवाना है, ये करवाना है, ये करवाना है। हो सकता है कि मेरा पैकेज उसके साथ 30 का बन जाए, और ये भी हो सकता है कि उसके साथ मेरा पैकेज 80 का बन जाए, इसलिए कि फिर हम उसकी डिमांड के मुताबिक काम कर रहे होंगे ना। तो आप यूँ समझ लिया करें कि ये जो हम गिग ऑफर लगा रहे होते हैं बेसिकली, ये तो हम कंपटीशन के लिए लगा रहे होते हैं कि भाई जो जो लोग ऑफर्स देने लगे हुए हैं हम भी वहाँ पर सर्वाइव कर लें, लेकिन बाकी की जो चीज़ें फाइनलाइज होनी होती हैं वो बाद में होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़मीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है, इतना फर्क भी नहीं होगा, लेकिन ये फाइनल चीज़ नहीं है, यानी ये नहीं है कि हमने इसी के ऊपर फोकस करके बैठे हुए हैं।
उसके बाद क्या कहता है जी, विदड्रॉ योर अर्निंग आफ्टर 14 डेज। ठीक है, ये देखेंगे कि हम मोस्टली केसेस में हमें 14 डेज का ही वो कहेगा कि आपने अगर कुछ अर्न किया, आपको कोई ऑर्डर मिल गया है, ठीक है, ऑर्डर आपने डिलीवर भी कर दिया है, डिलीवरी के बाद 14 डेज में आप अपना ऑर्डर, अपने अमाउंट विदड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये किस में आ रहे हैं आप, ये कौन सी कैटेगरी की बात की हमने, ये न्यू सेलर की बात की। अब अगर हम लेवल वन पर जाएंगे तो देखेंगे कि जैसे जैसे हम लेवल्स इंप्रूव करते जा रहे हैं, काफी सारी चीजें कॉमन होंगी सब लेवल्स में, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो नहीं आती जाएंगी। मिसाल के तौर पर, बी एन एक्टिव सेलर फॉर एटलीस्ट 60 डेज। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई 2 महीनों से आप फाइवर पर एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, एक्टिव होना का क्या मतलब है, आपको ऑर्डर ही कोई नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है आप तो एक्टिव नहीं है। आप तो सपोज करेंगे भाई ऑर्डर होगा तो एक्टिव होंगे ना, नहीं, आपने गिग लगाई है, कोई बंदा आपको मैसेज भी तो कर सकता है, आपने उसको फीडबैक देना है। मतलब ये तो नहीं है कि एक बंदे ने क्लिक किया, ये कोई दराज की सेल तो नहीं हो रही ना कि भाई क्लिक किया और परचेज हो गया, बल्कि यहां पर तो किसी ने अगर आपको क्लिक करना है, मतलब सबसे पहले आपके इंप्रेशन लगने हैं, आपकी गिग का इंप्रेशन किसी को, जब आपकी गिग को कोई देख रहा है तो इसका मतलब है उसका इंप्रेशन लगा हुआ है, उसके बाद उस पर क्लिक होगा, जब क्लिक होगा तो फिर हो सकता है वो क्लिक करने के बाद कुछ भी ना करे, और हो सकता है कि वो क्लिक करने के बाद आपको मैसेज करे, आपसे पूछे कि भैया क्या ऑफर करने लगे हुए, तो अब वो आपको ऑर्डर नहीं मिला अभी भी, लेकिन वो भी आपसे कम्युनिकेशन कर रहा है, तो आपने उसको रिप्लाई करना है। तो इसका मतलब यह है कि जब हम रिप्लाई करने लगे हुए हैं, हमारी गिग भी लगी हुई है, तो हम एक्टिव हैं जी। उसके बाद लेवल वन में क्या कहता है, कंप्लीट एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स ऑल द टाइम। इसका क्या मतलब है, कहता है भाई जब से आपने काम शुरू किया है उस वक्त से लेकर अभी तक आपके कितने ऑर्डर्स कंप्लीट होने चाहिए, 10 ऑर्डर्स। मतलब जैसे ही आपके 10 ऑर्डर्स कंप्लीट होंगे तो हम एकदम आप न्यू सेलर से कहां पर शिफ्ट कर जाओगे, लेवल वन पर शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कहता है जी, अर्न $400 और मोर। लेवल वन का दूसरा क्राइटेरिया क्या है, कि आपकी जो अर्निंग हुई है वो $400 होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बहुत अहम बात है, मेंटेन 4-7 स्टार रेशियो। ये वही गूगल में जो मैं कहता था ना रिव्यूज होते हैं, लेकिन ये गूगल के रिव्यूज नहीं है, ये इसके रिव्यूज है, इसके ऊपर लोग आपको कैसा रिव्यूज देने लगे हो। ठीक है, मेंटेन 4.7 आउट ऑफ 5, कहता है आउट ऑफ 5 आपकी यहां पर रिव्यू की रेशियो जो है वो होनी चाहिए। कितनी देर में होनी चाहिए, लास्ट 60 डेज में। अच्छा उसके बाद डिलीवरी आर 90 डिलीवरी डिलीवर आर 90% रिस्पॉन्स। ठीक है, आगे क्या है जी, 90% रिस्पॉन्स रेट। रिस्पॉन्स रेट का क्या मतलब है, कि भाई लोग आपसे कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है, तो क्या आप सबको लिफ्ट करा रहे हैं, कि 50% लोगों को जवाब देने लगे हुए हैं, जिसका मतलब वो आपका रिस्पॉन्स रेट 50% हो जाएगा। अगर आप बहुत ही कम लोगों को जवाब दे रहे हैं तो और परसेंटेज कम हो जाएगी, तो कहता है आपका रिस्पॉन्स रेट कितना होना चाहिए, 90%। सिर्फ 10% का वो आपको मार्जिन दे रहा है कि अगर आप इतनों को इग्नोर भी कर दें तो कोई बात नहीं है। स्कोर अ 90% ऑर्डर कंप्लीशन। अब ऑर्डर्स तो आपको आ गए हुए हैं, 7-8 ऑर्डर्स पे आप काम करने लगे हुए हैं, लेकिन आप ऑर्डर्स कंप्लीट ही नहीं कर रहे हो। ऑर्डर कंप्लीशन रेट आपका कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए। ये वो सब चीजें हैं जिसकी बेस पर वो आपकी ग्रोथ करता है फाइवर। ठीक है, और अचीव अ 90% ऑर्डर कंप्लीट करना और ऑन टाइम डिलीवरी करना, ये दो चीजें हो गई। मतलब ऑर्डर कंप्लीट हो गया, आपने ऑर्डर कंप्लीट किया हुआ उसका, अब आपने उसको डिलीवर करना है ना। ठीक है, सो ऑन टाइम डिलीवरी का क्या रेट आपका होना चाहिए, 90% होना चाहिए। रिसीव नो वार्निंग ओवर 30 डेज। इसका क्या मतलब है, कि भाई फाइवर की तरफ से आपको किसी वायलेशन के ऊपर वार्निंग भी नहीं मिली होनी चाहिए। अगर आपको वार्निंग भी मिली होगी तो इसका भी मतलब होगा, अगर आपके पास एक वार्निंग भी होगी तो इसका मतलब क्या होगा, कि आप इस लेवल पे शिफ्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, पहले हमने देखा न्यू सेलर भाई 7 गिग लगा लो, उसके बाद क्या 10 गिग्स को कंप्लीट कर लिया, जिस बंदे ने 10 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं और कितने डॉलर्स कमाए हुए हैं, $400 अर्न कर लिए हैं, तो इसका मतलब है वो इस लेवल पर है। अब इसके बाद जब वो आगे ग्रो करने लगा हुआ है तो लेवल, अब आप देख रहे थे ना वहां पर जब हम गिग्स देख रहे थे तो हर बंदे के नीचे जो जो जिसने गिग लगाई थी उसके नीचे उसके लेवल्स आ रहे थे, तो वो बेसिकली ये लेवल शो करने लगा हुआ था कि वो इस वक्त किस लेवल का सेलर है, यानी उसने क्या क्या अचीव कर लिया हुआ है शुरू से लेकर अभी तक जी। उसके बाद दूसरा कौन सा लेवल आ गया जी, लेवल 2, बी एन एक्टिव सेलर फॉर एटलीस्ट 120 डेज। अब इसके लिए क्या उन्होंने कहा है, कितने ऑर्डर इसके कंप्लीट होने चाहिए, लेवल 1 के लिए कितने थे, ओके, इसकी अर्निंग है $2000। ठीक है, यानी ये चीजें यूनिक हो गई हैं इसकी,
मैं ये चीजें इसकी यूनिक हो गई हैं कि पहले उसने कितने ऑर्डर्स कंप्लीट किए थे 10, अब वो कह रहा था कि अगर आप 10 टू बढ़ रहे हैं, अब आप 50 की तरफ जा रहे हैं, आपने 50 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए ऑल द टाइम, मतलब शुरू से लेकर अभी तक, चाहे चाहे आप न्यू सेलर थे, चाहे आप लेवल 1 सेलर थे, अब आपके पास अगर इतने ऑर्डर्स आ गए हुए हैं, कंप्लीट कर चुके हुए हैं, तो इसका मतलब है कि अब फाइवर आपको लेवल 2 में ले जाएगा। ठीक है, आगे देखें जी, अर्निंग बाकी की चीजें क्या है, अबाउट वैसे ही चल रही है सारी जी, वही 4.7 रेट, वही 90% डिलीवर है, 90% रिस्पॉन्स रेट, स्कोर 90%, ऑर्डर कंप्लीशन और ऑन टाइम 90%, ये बाकी की सारी चीजें वही वाली हैं और डिलीवर, ठीक है जी, रिसीव नो वार्निंग ओवर 30 डेज। अच्छा, इसमें आपको पेमेंट कब मिल रही है, ये एक्स्ट्रा चीजें भी इसकी आ गई हैं जी, जी यू विल गेट अप टू क्रिएटिंग अप टू 20 एक्टिव गिग्स, ठीक है, इधर गिग्स की तादाद भी बढ़ गई है, एड 5 एक्स्ट्रास पर गिग, 5 एक्स्ट्रास आप ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा सर्विसेज की बात कर रहे हैं, सर्विसेज का मतलब क्या है कि आप अगर $20 में पहले काम करने लगे हो या $50 में, तो जब आप कुछ एक्स्ट्रास करोगे और कोई बंदा आपसे बाय करेगा तो आपका रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक नई चीज यहां पर आकर मिल रही है आपको, वो क्या मिल रही है, प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट, कहता है जब आप लेवल 2 पर आ जाएंगे तो उसके बाद आपको प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट का क्या मतलब है, कि अगर आपको कुछ इशू आ रहा है, किसी बायर से कुछ इशू आ रहा है, फाइबर से कुछ इशू आ रहा है, और आप अभी लेवल न्यू सेलर के तौर पर हो, तो उस वक्त आपकी रिक्वेस्ट को वो इतना प्रायोरिटी नहीं देंगे जितना वो सेकंड लेवल 2 वाले को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, वो ये कह रहा है कि जनाब इस लेवल पर आप कोई भी क्यूरी होगी तो हम प्रायोरिटी पर पहले आपकी क्यूरी को रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि आप इस वक्त ट्रांजेक्शन मोड में हैं। ठीक है, आपके साथ लोग इन्वॉल्व हुए हैं, बिजनेस करने लगे हुए हैं, अर्निंग इधर भी 14 डेज में ही है। ठीक है, यानी अभी तक न्यू सेलर की अर्निंग भी 14 डेज में थी, वन की भी 14 डेज में थी, और इस सेलर की अर्निंग भी 14 डेज में ही है। ठीक है, अब आखिर में आ जाते हैं जी, आखिरी वाला कौन सा है, टॉप रेटेड सेलर है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं जी, बी एन एक्टिव एटलीस्ट 180 डेज, कह रहे हैं जी पिछले 180 दिन से आप एक्टिव होने चाहिए, मतलब विड्रॉ तो नहीं कर गए, ये तो नहीं कि आप रिस्पॉन्स नहीं करने लगे हुए। ठीक है, कंप्लीट एटलीस्ट 100 ऑर्डर्स, सो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो आपको टॉप रेटेड नजर आ रहे होते हैं वो सब 100 प्लस वाले लोग होते हैं, इनके इतने ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके होते हैं, अर्निंग आ रही है उसकी, उसके बाद आगे भी तकरीबन वैसी ही चीजें आ रही हैं जी। अच्छा, जरा एंड पर देखिए क्या चीज आ रही है, नीचे आ जाए, या ये नई चीज एक आ रही है इसके लिए, कह रहे भाई अब तो आप काफी कमाई करने लगे हुए हैं फाइबर से, ठीक है, तो अब आपके पास काफी हमारे पैसे पड़े हुए हैं, तो अब आप 7 डेज के बाद भी विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि ये जो टॉप रेटेड होगा इसके जो पैसे हैं वो आफ्टर 7 डेज भी इसके पास आ सकते हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि इसके पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, ये कह रहे हैं भी आपके ऑर्डर्स डिलीवर भी हो रहे हैं, कंप्लीट भी हो रहे हैं, तो हमें आपके पैसे अपने पास रखने का कोई शौक नहीं है, यानी आप हमसे पैसे विड्रॉ 7 डेज के बाद कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमने क्या देखा है, ये थे हमारे सेलर लेवल्स क्या होते हैं, और इसके अंदर जो सबसे अहम बात ही, जो हमारे लिए जो सबसे फोकसिंग बात है ना इसके अंदर, जो हमें सिर्फ काम करने के दौरान याद रखना है, वो ये वाला हिस्सा है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, कि भाई आपने 4.7 की स्टार रेटिंग लेकर चलनी है मिनिमम, डिलीवरी 90% डिलीवर, 90% रिस्पॉन्स रेट करना है, कि लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं आप उनको 90% रिस्पॉन्स भी देने लगे हुए हैं। ठीक है, 90% ऑर्डर कंप्लीशन होनी चाहिए आपकी, अगर इनमें से कोई भी चीज मीट नहीं कर रही होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि आप उसके क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतर रहे। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको बताया कि आपके जो सेलर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, और मैंने एक चीज आपको और भी बताई थी कि फाइवर ने आपसे कितना लेना है 20% एज ए सेलर, और अगर आप सेलर नहीं है आप बायर हैं तो 5.5% लेगा, टैक्सेस अलग है। ठीक है, और जिस मोड से पैसे आपके पास आ रहे होंगे उसका टैक्स भी तकरीबन 1-2% होता है, इसके अलावा जब बैंक में आपके पैसे आते हैं तो उसके जिस कंट्री में आप बैठे हुए हैं उस कंट्री के जो भी बैंक डिपॉजिट के ऊपर जितने भी टैक्सेस लगते हैं वो भी सारे लगेंगे। ठीक है, सो ये आपका एक्सपीरियंस उस वक्त ज़्यादा बेहतर होगा जब पहली अमाउंट आपको मिलती है, तो फिर आपको पता लगता है कि भाई इतनी देर में इतने पैसों में हमने ऑर्डर कंप्लीट किया था तो ये सारी डिडक्शन मिलाकर इतने हो गए। अब जब हम पैरेलल अपने दूसरे लोकल बिजनेस की तरफ आते हैं तो लोकल बिजनेस में क्या है कि मैं किसी को भी अगर ढूंढता हूँ, किसी कारोबार को, किसी एक बंदे को ढूंढता हूँ, ठीक है,
वो जिसका मैं काम करने लगा हुआ हूँ मैंने उससे डायरेक्ट पेमेंट लेनी है ना, बीच में मैंने किसी को कमीशन भी नहीं देना, मेरे बीच में कोई नहीं। हाँ ये हो सकता है कि अगर मैंने कोई कैंपेन चलाई हुई है तो कैंपेन के ऊपर मेरा कुछ थोड़ा सा खर्चा आया होगा, वो जो एक्सपेंडिचर है वो निकल जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने कैंपेन चलाई तो 10 दिनों के लिए मैंने कोई कैंपेन चलाई, उसके ऊपर मेरे पैसे लग गए। सपोज अगर मैंने ज़्यादा पैसे लगाए, मैंने कहा अगर ज़्यादा पैसे लगाए तो हो सकता है कि मेरे 8-10 हज़ार रुपये उस पर लग गए हों, और अगर मैंने कम पैसे लगाए होंगे तो हो सकता है कि 2-2.5 हज़ार रुपये में मैंने कैंपेन की हो। अब उसके हिसाब से जब मुझे क्लाइंट्स आएंगे तो मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा कि क्या हुआ, क्योंकि मेरी अवेयरनेस कैंपेन भी चली है। मतलब लोगों में अवेयरनेस कैंपेन मेरी चल रही है। ज़रूरी नहीं है कि आज जो ऑर्डर नहीं आए वो कल भी नहीं आएंगे, इसलिए कि लोगों को मेरे मतलब पता लग चुका हुआ है, वो मुझसे सोशल मीडिया से दोबारा से रब्ता भी कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को भी वो देखने लगे हुए हैं, उधर से भी वो लोग मेरे से आ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कॉलेज में लोग इतनी सारी क्यूरीज आती हैं, उस महीने में सब लोग एडमिशन नहीं लेते हैं, कई लोग क्या होता है अगले माह एडमिशन ले लेते हैं, कई लोग 3 महीनों के बाद एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है ना। कोई बंदा एडमिशन लेता ही नहीं, अपने छोटे भाई का एडमिशन करवा देता है, आया अपने एडमिशन के लिए होता है। तो मतलब क्या हुआ कि क्यूरीज ने ऐसे नहीं होता कि इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स देना होता है। क्यूरीज कुछ क्यूरीज होती हैं जो इमीडिएट रिस्पॉन्स देती हैं, और कुछ क्यूरीज होती हैं जो वक्तन फवक्तन आपके पास होती रहती है, आती रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो इवन हमने अगर गिग्स भी लगाई हैं तो हमारी गिग्स भी जो होती है वो टॉप रैंक जब करती है तो फाइवर का अपना एक इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसके मुताबिक ये नहीं है कि जैसे मैंने SEO की हुई है वेबसाइट की तो वो तो हमने फ्रीज कर दी ना अपनी वेबसाइट नंबर के ऊपर, लेकिन यहाँ पर आपकी गिग फ्रीज नहीं होती है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि आप के साथ और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बिल्कुल इसकी एग्जाम्पल OLX वाली है, ठीक है। अभी तो OLX पेड हो गया ना, तो OLX पेड होने से क्या होता है उसमें फीचर ऐड चलते हैं, तो वो जो फीचर ऐड होते हैं वो टॉप प्रायोरिटी पर आ रहे होते हैं, किसी भी सूरत में ऊपर फीचर ऐड नहीं आने। उसके बाद जो नीचे वाले एड्स होते हैं वो ज्यादा किसको दिखा रहा होता है, जो अब न्यूएस्ट होते हैं, जो थोड़ा सा पुराना होता है उसको तो नहीं दिखाता ना, वो नीचे चला जाता है फिर पुराने वाले एड, और फिर जो न्यू एड्स आ रहे होते हैं वो उस पर नजर आने शुरू हो जाते हैं। आज मेरा एड नजर आ रहा है तो हो सकता है कल वो वाला नजर ना आए, कल किस बंदे ने और लगाया, कल तो छोड़े अभी आधे आधे घंटे के अंदर सब कुछ चेंज होने लगा हुआ है। इसीलिए तो फीचर एड पे चले गए हम लोग कि भाई फीचर एड लगा दिया पक्का तो हो गया ना। अब मैंने उनको पेमेंट कर दी 90 डेज के लिए, अब 90 डेज के लिए मेरा ऐड फ्रीज हो गया। SEO में ऐसे नहीं होता, वेबसाइट की SEO की हुई है, हमने एक कीवर्ड के ऊपर कर दिया प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, सपोज मेरा कीवर्ड था, मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया एक वेबसाइट। अब जब तक उसकी SEO ड्रॉप नहीं होगी, ठीक है, या उससे बेहतर किसी की SEO नहीं होगी, उस वक्त तक दूसरा बंदा उस मेरी रैंकिंग को बीट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो यह है कि आपने लगाई है, आज आपकी फ्रेश गिग है, अच्छी आपने SEO की हुई है, आपको इंप्रेशन लग रहे हैं, हो सकता है 6 दिनों के लिए 7 दिनों के लिए वो आपको टॉप पे रखे, उसके बाद वो आपकी गिग को नीचे डाउन कर देगा। यानी क्योंकि आप अकेले तो नहीं ना लगा रहे, दुनिया में इतने लोग गिग्स लगाने लगे हुए हैं, तो अगर कोई बंदा कहे कि भाई मैं गिग लगा के बैठा हूँ काम भी नहीं हो रहा, गिग भी हर बार टॉप ही नजर आ रही है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उनका अपना एक सिस्टम है जिसके मुताबिक वो गिग्स को रोटेट करते हैं, मुख्तलिफ लोगों की गिग्स को यहाँ पे दिखा रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने गिग लगाई, यानी इससे नतीजा यही निकला ना कि 8 से 10 दिनों में अगर आपको ऑर्डर आ गया तो ठीक, अगर उस गिग से 8 से 10 दिनों में ऑर्डर नहीं आया तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब आपको प्लान माइंड बना लेना चाहिए कि ये गिग अब आपको मजीद रिजल्ट नहीं देगी, इसलिए कि अब तो ये नीचे चली जाएगी और ऊपर कौन सी आएंगी जो फ्रेशेस्ट फ्रेश फ्रेश होंगी। सो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम और गिग एक लगा सकते हैं ताकि हम उसको रैंक करा लें। यानी हमने माइंड यही बनाना है कि भाई अगर हमारी गिग लगाने के अगर हमने अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की है, गिग हमारी एक दफ़ा नज़र भी आ रही है ऊपर, अब हमने ये माइंड रखना है कि भाई 7 दिनों में हमें कुछ मिल जाना चाहिए इसका। अगर 7 दिनों में हमें कुछ नहीं मिलता तो हमें खुद ही सोच लेना चाहिए कि भाई अब 7 दिनों के बाद हमने नीचे आना, ठीक है, समझ आ गई बात की। तो ये तो हो गया इसका सारा इंट्रोडक्शन, ये मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगा फाइल। अच्छा अब आ जाते हैं जरा इधर, सबसे पहले ये देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। पीछे भी मैं कोई क्लास पढ़ा रहा था तो फाइवर की ही पढ़ा रहा था, तो उसमें जो इसका साइज था और यूट्यूब के इमेज का साइज था अबाउट एक जैसा था, ठीक है। सो ये चेंजेस होती रहती हैं, इसीलिए आप जब भी कोई काम कर रहे हो ऑनलाइन काम करें तो हमेशा ऑनलाइन डाटा कलेक्ट करें, ठीक है, बजाय इसके कि मैं आपको कोई बने बनाए नोट्स दे दूं और वो नोट्स मैंने आज से 4 साल पहले बनाए हों तो इसका क्या मतलब है, लेटेस्ट तो नहीं ना होगी इंफॉर्मेशन मेरी। कंप्यूटर में ऐसे नहीं है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहे हो, कोरल ड्रा यूज करना सीख रहे हो, फोटोशॉप सीख रहे हो, इसमें तो नोट्स चल सकते हैं ना, इसलिए कि टूल्स तो एक ही है सारे।
लेकिन जब आप इंटरनेट मार्केटिंग करने लगे हुए हैं तो वहां पर आपके नोट्स बिल्कुल नहीं चलेंगे, इसलिए कि इंटरनेट में तो हर 7-8 दिनों के बाद कोई ना कोई नई चीज आ जाती है। इसलिए आपने अपने नोट्स गूगल को बनाना है, यानी आपको अगर चाहिए कि मुझे फ्रेश अपडेट चाहिए और मुझे ये देखना है कि भाई इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त क्या चलने लगा हुआ है, तो आपने इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। और इंटरनेट से फ्रेश इंफॉर्मेशन लेने का क्या तरीका होता है, यहां पर एक तो सर्च करते हैं हम, अच्छा उसके बाद यहां से हम कहां आते हैं, टूल्स पे आते हैं, ये बहुत अहम बात है ये वाली। अच्छा टूल्स के बाद यहां पर आएंगे, देखे ना एनी टाइम, एनी टाइम का तो मतलब यही होना जैसे मैंने पहले से ही नोट्स बना के रखे हुए हैं। अब यहां पर देखे कितना कुछ आ रहा है, अब ये आपने देखना है कि आप जो कंटेंट सर्च कर रहे हैं वो कंटेंट कितना फ्रीक्वेंटली अपडेट हो सकता है, ठीक है। मतलब मैं कहता हूं भी पास्ट मंथ इज फाइन, हो सकता है कोई मैं ऐसा कंटेंट भी ढूंढता हूं, जैसे मैं कहता हूं ना गूगल की अपनी अपडेट्स जो होती हैं एसईओ के लिए वो काफी फ्रेश आ रही होती है, जिसको हम गूगल एल्गोरिदम बोलते हैं, तो उसके लिए अगर मैंने देखना हो तो शायद मैं पास्ट वीक को देखूंगा, लेकिन जब मैंने दूसरी ये वाली इंफॉर्मेशन देखनी है तो मैंने इसे क्या कहा जी पास्ट मंथ करूंगा, फिर मैं देख लूंगा ये वाली इंफॉर्मेशन, समझ आ गई बात की। सो आपने जब भी कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेनी होगी तो आप यहां से लेंगे, चलिए मैं यहां पर कुछ लिखूं, फाइवर बायर कमीशन जी, क्या कह रहा है जी अबाउट, कितना कह रहा है जी, प्राइस प्लस 5%, यानी गिग प्राइस को तो हमें कंसीडर नहीं ना करना, हम तो कमीशन की बात ही कर रहे हैं, वो कहता है कितना 5%, जरा इधर आए जरा, उसके बाद ये क्या कह रहा है, विद अ मिनिमम सर्विस फी ऑफ ₹2, मतलब वो कहता है कि मैं 5% चार्ज करूंगा, लेकिन अगर आपकी गिग ही इतनी हल्की होगी कि उसका 5% $2 भी नहीं बन रहे होंगे तो फिर मैं $2 चार्ज करूंगा, बात समझ में आ गई, यानी कि मिनिमम जो उसने चार्ज करना है वो कितना करना है, $2 करने हैं, तो अगर 5% बड़ा है या आपका ऑर्डर जो है वो $2 से बड़ा कमीशन है फिर तो वो इसको कर लेगा, लेकिन अगर आपका ऑर्डर बहुत छोटा कोई ऑर्डर है और उस पर आप फाइवर का कमीशन बनने ही $2 रहा है तो फिर वो कितने लेगा आपसे, यानी कि उसने जो पैसे आपसे अर्न करने हैं ना वो कम से कम कितने लेने हैं, $2 लेने हैं, लेकिन अगर आपका ऑर्डर बड़ा होगा तो फिर वो कितना लेगा, 5% लेगा। टूल्स में आए जरा, अब इसका मतलब क्या है, अब उसने जो मुझे इंफॉर्मेशन दी है वो कहां से, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन निकाल कर दी है, लेकिन आपने सोर्स भी देखना है, मैं कहा आपने सोर्स भी देखना है, कोशिश करनी है कि फाइवर के मुतालिक जो भी अपडेट्स ले रहे हो फाइवर की साइट से जाकर लें, ठीक है, इसलिए कि बाकी की जो वेबसाइट्स हैं वो तो ब्लॉग्स हैं ना, वो तो किसी ने बनाई हुई है वेबसाइट, उसकी ऑथेंटिसिटी को आप क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको बहुत सारे सोर्सेज है, मिसाल के तौर पर आप में से कोई बंदा वेबसाइट बना दे, मैं जो पढ़ाने लगा हुआ लिखना शुरू हो जाए और उससे कोई राइटिंग मिस्टेक हो जाए तो गूगल पर तो आ गई ना, गूगल ने उस राइटिंग मिस्टेक को तो नहीं पकड़ना ना, मतलब उसने ये तो नहीं कहना कि आपने इन्फॉर्मेशन गलत दी हुई है तो आपके पेज को ब्लॉक कर देता हूँ मैं, बिल्कुल नहीं करेगा ऐसे वो। सो इसलिए आपको जब भी क्रॉस चेक करना हो या तो उसी प्लेटफॉर्म पे जाएं और फिर दूसरे प्लेटफॉर्म से भी लें बेशक, ठीक है, फिर बेशक लें आप दूसरे प्लेटफॉर्म से, लेकिन पहली इन्फॉर्मेशन आपको उसी प्लेटफॉर्म से कलेक्ट करनी है। अच्छा अब हमारे पास ये साइज भी आ गया जी, फोटोशॉप में आ जाइए, मैंने खोल लिया हुआ साइज, ये फोटोशॉप खोला हुआ है मैंने, हाँ यहाँ से मैं इमेज में आता हूँ और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, इमेज साइज, मैं इमेज में आया हूं और ये लिखा हुआ है इमेज साइज, तो ये क्या साइज आ रहा है, 550x370, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या करना है यहां पे, ये इस साइज का आपने गिग इमेज बनाना है। अब जो गिग इमेज है उसकी भी थोड़ी सी साइंस समझ लेते हैं कि गिग इमेज क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, गिग में आप 3 इमेजेस लगाओगे अपने, अच्छा उसमें एक इमेज ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका काम रिफ्लेक्ट कर रहा हो, ठीक है, एक काम करते हैं ना, यहां से हमने एक खोला था उस दिन अकाउंट, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज का खोला था ना, उसके अंदर मैं बायर बनकर देख रहा था शायद, यहां पर वो भी खोल लें, क्या बोला, चैट जीपीटी,
यहाँ लिख दिया मैंने बिजनेस कार्ड, ठीक है, ढूंढ लेते हैं क्या चीज आती है इसके पास। यहां पर मैंने चैट जीपीटी खोला है, ये नीचे कर दिया उन्होंने शिफ्ट शीट ट्राई। अब ये पेड हो चुका हुआ है, पाकिस्तान में भी हो चुका हुआ पेड, हाँ फ्री भी चल रहा है लेकिन पेड वाला वर्जन भी आ गया हुआ है इसका। अच्छा इधर आए, इधर आप, इसने क्या खोला है आपके लिए देखें। ये आ गई जी 28,000 गिग्स लगी हुई है यहाँ पर। अभी किसका फोन आ रहा है, थोड़ी देर 5-10 मिनट और इंतजार कर लो, किसी का अगर मोबाइल पे आ रहा है तो बंद कर लो। हाँ जी आनी शुरू होगी ना गिग्स, जरा इन गिग्स को देखते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि हमें ये ही समझना है कि देखें लोग क्या कर रहे हैं, लोग किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, खासतौर पर आइडियाज उनसे लें जो बड़े बड़े सेलर्स बने हुए हैं। तो वो अपनी इमेजेस कैसे डिजाइन करने लगे हुए हैं, वो अपना टाइटल कैसे लिखने लगे हुए हैं, वो अपनी डिस्क्रिप्शन कैसे दे रहे हैं, उनके एफएक्यूज कौन से हैं। मैंने आपसे कहा था कि सारा डाटा आपको वहां से कलेक्ट करना है, इसलिए कि वो अपनी सारी रिसर्च कंप्लीट कर चुके हैं, उस रिसर्च की बेस पर उन्होंने अपनी गिग्स लगाई हुई हैं और उससे अर्न भी कर रहे हैं। अब अगर हमने उधर से आइडिया लेना है तो इसका ये मतलब कतई तौर पर नहीं कि पूरे का पूरा कॉपी पेस्ट ही करना है, कॉन्सेप्ट उधर से लेना है, बाकी की चीजें खुद बनानी है। हाँ ये बात तो है कि जैसे हम कहें नीचे रिसेप्शन में कोई भी नया स्टाफ मेंबर आता है तो उसको एक ही तरह की ट्रेनिंग देते होंगे ना कि भाई जब भी कोई कस्टमर आएगा, जब भी कोई स्टूडेंट आएगा तो वो ये चंद सवाल आपसे पूछेगा, ये तो नहीं हो सकता। और अगर कोई और कॉलेज होगा उसमें भी ऐसी ट्रेनिंग होगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन हमें चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं कि जब किसी ने आपकी गिग को देखना है तो उसके जहन में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने FAQ की सूरत में उन क्वेश्चंस को आंसर करना है, यानी FAQs में आपने खुद ही बता देना है आप जो ऑफर कर रहे हो आपने। अब ये आपको कैसे पता लगेगा, ठीक है आप भी नहीं हुए ना, तो आप मैंने कहा था कि 5-6 अच्छी गिग्स देखें और हर गिग के FAQs को नोट कर लें, अपना एक डॉक्यूमेंट बना लें। मतलब 5-6 गिग्स का मतलब क्या होगा कि किसी ने 5 FAQs लगाए होंगे, किसी ने 4 लगाए होंगे, सबके FAQs कॉपी करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लें, क्वेश्चन भी लें और उसके आंसर्स भी लें। फिर आप देखें कि इसमें से ऐसे कौन से FAQs हैं जो कॉमन है, इन चारों में कॉमन है। इसका मतलब क्या होगा कि वो 4 ऐसे FAQs हैं जो कि हर क्लाइंट आपसे पूछ सकता है, उनकी बेसिस पर आप अपने FAQs बना लो। और उसके बाद अगर आपको लगे कि कोई ऐसा क्वेश्चन है कि क्यूरी आ सकती है किसी के जहन में लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं लिखा, तो आप उसको भी नए को भी इसमें ऐड कर सकते हो। क्योंकि जितने ज़्यादा आप FAQs ऐड करोगे, ठीक है FAQ का मतलब ये नहीं है कि लाजमी उसने देखने हैं, उसके जहन में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो FAQ पे क्लिक करेगा ना, तो वहां पर उसको खुद से ही पहले से ही आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है ये क्या चीज आ रही है जल्दी से बताइएगा, भागे चलने मैंने, ये कीवर्ड्स कैसे आए हैं, ये कीवर्ड्स कैसे आए हैं खुद से, मैंने तो नहीं लिखा ना कि भाई मुझे कीवर्ड दिखाओ, खुद ही आ गए हैं, किस तरह आए हैं, क्या हो गया, खामोश क्यों है, फाइबर क्विक व्यू की हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपने भी करनी है। एक चीज और भी जहन में रखिएगा, जहां से आप सेलिंग कर रहे हो ना एहतियात के लिए आपने वहां पर फाइबर क्विक व्यू इंस्टॉल ना करें, ताकि किसी वजह से कोई इशू ना बने, बल्कि आप एक और अकाउंट खोल लें, कोई और प्रोफाइल बना लें गूगल की, उस पे फाइवर क्विक व्यू इंस्टॉल कर लें, ताकि जो रिसर्च आपने करनी है वो उधर से कर लें। ठीक है हेल्पिंग टूल जो है ना, जहां से आप अपनी गिग लगाएं वहां पे इंस्टॉल ना करें। अब आ जाएं जी नीचे और यहां से मैं कोई एक पिक कर लेता हूं। अब ये देखें आप देख रहे हो ना बिजनेस कार्ड, सबसे पहले क्या ये देखें, इसने तो दिखाई बिजनेस कार्ड अपने, चार बिजनेस कार्ड दिखा दिए ना इसने अपने, मतलब एक ये पॉलिसी भी होती है, ये देखें इसने भी बिजनेस कार्ड ही दिखा दिए, समझ में आ गई स्ट्रेटेजी क्या है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, ये टॉप रेटेड सेलर है एक, हाँ इस पे क्लिक करें, जी देख लें जरा,
पता लग गया इमेजेस कैसे डिजाइन करने हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहला इमेज जो अपने काम का रख दो, इसलिए कि ऑफर तो उसको नजर आ गई ना आपकी। दूसरा जो इमेज है ना, एक इमेज आप ऐसा बनाओ जो आपकी ऑफर का हो और ऑफर में भी आपके अच्छे ग्राफिक्स नजर आ रहे हो, और फिर तीसरा इमेज भी आपके काम का ही हो, ठीक है, ताकि जब वो सिर्फ कुछ ना पढ़े ना, वो डिस्क्रिप्शन पढ़े, टाइटल पढ़ लिया उसने, डिस्क्रिप्शन भी ना पढ़े बल्कि वो सिर्फ आपकी तस्वीर को देखे, तो उसको पता लग जाए कि आप कितने एक्सपर्ट हैं, यानी आपकी एक्सपर्टीज आपके इमेज से नजर आ रही हूँ। तो अगर आप अच्छा इमेज डिजाइन नहीं करेंगे और आप डिजाइनर हैं, मतलब मैं SEO का काम करता हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा इमेज डिजाइन नहीं करूंगा तो मैटर नहीं करेगा, वो मेरी डिस्क्रिप्शन पड़ेगा कि मुझे ये सर्विसेज लेनी है इससे। लेकिन अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं और आपका इमेज अच्छा नहीं होगा तो वो आपको कभी भी कंसिडर नहीं करेगा, वो तो कहेगा नहीं भाई ये तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो डिजाइनर, इसकी डिजाइनिंग नजर आ गई है मुझे, पहले ही पता लग गया, काम करवाने की क्या जरूरत है। सो ये आपके जो इमेजेस है ना, ये रिफ्लेक्ट करेंगे आपके डिजाइन को। अच्छा, समझ में आ गई बात की? अब ये बात क्लियर हुई कि इमेज कैसा होना चाहिए। अब जो लोग डिजाइनर नहीं है, मैंने इसीलिए उनसे कहा था कि कैनवा यूज कर लें, ठीक है, कैनवा में ये इमेज इजीली आपका बन जाएगा। लेकिन लाजमी बात है, ऐसे तो नहीं है कुछ चीजें ऑटोमेटेड, कुछ भी नहीं है, आपने कोई भी काम करना है तो ऑटोमेटेड नहीं है, आपके सर में भी दर्द होगी, ठीक है, आपको करते करते उठना भी पड़ेगा, क्या हो गया भाई कुछ नहीं हो रहा, फिर बैठता हूँ दोबारा, फिर काम होगा, ऐसे एक ये ना समझें कि चीजें ऑटोमेटेड हैं, कि बैठेंगे कैनवा में बैठेंगे तो कोई आंखें बंद की और मशीन चलेगी और तैयार हो जाएगा ऑर्डर के, ले लो भाई ये आपका काम हो गया। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ऐसे भी लगेगा कि यार अभी मुझे नहीं हो रहा, क्या करूँ मैं। आहिस्ता आहिस्ता आप पॉलिश होंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपका वर्क रिफाइन होगा, ठीक है, मतलब एकदम ये सब कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, अब आए जरा नीचे, और इधर आने की बजाय हम आ जाते हैं जरा इस पे, गिग पे आ जाते हैं, ये वाला जो टैब होता है इस पे क्या लिखा हुआ जी? माई बिजनेस। जब आप लोग अपना अकाउंट बना लोगे तो क्या आएगा इसमें? एक माई बिजनेस का टैब आ रहा होगा, ठीक है, आप इस पे क्लिक करें तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? गिग्स पे जाएंगे आप, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्रिएट न्यू गिग। उससे पहले जरा एक चीज और देख लें, ये क्या है, ये समझ लें पहले, ये भी बहुत अहम चीज है। गेट ब्रीफ्स, और उसके आगे मैंने लिखा हुआ $10। अब गेट ब्रीफ्स का क्या मतलब है? गेट ब्रीफ्स का ये मतलब है कि जो बायर्स हैं वो कुछ परचेज करना चाहते हैं आपसे, लेकिन वो आप तक नहीं आ रहे सीधे। सो पहले, काफी पहले जो एक चीज होती थी वो होती थी बायर रिक्वेस्ट। सो वो बायर रिक्वेस्ट भेजते होते थे सेलर्स पहले पहले ऑर्डर लेने के लिए, तो उन्हें इस तरीके से मिल जाता था। लेकिन अभी फाइवर ने ये जो बायर रिक्वेस्ट है ये कर दिया खत्म। अब बायर रिक्वेस्ट का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर सेलर्स के लिए, ठीक है। अब क्या है, अब उन्होंने खुद से ही उसकी एक रिप्लेसमेंट दे दी है। उन्होंने कहा कि आप गेट ब्रीफ को ऑन करें, आप देख रहे हैं इस ऑप्शन को मैंने ऑन किया हुआ है, आप जो आपका जब अकाउंट होगा आप उसको देखोगे तो उसमें ये ऑप्शन ऑफ होगी, ये वाली ऑप्शन इसमें ऑन की हुई है मैंने, और इसके आगे मैंने लिखा भी क्या हुआ है? $10। अच्छा, अब मैंने इसे ऑन किया, $10 लिख दिया, उसके बाद मैंने गिग लगा दी, ठीक है। अब एक चीज मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे ब्रीफ भेजो, मुझे रिक्वेस्ट आए, मतलब ये मैं कह रहा हूँ। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे रिक्वेस्ट जो आए वो कैसी आए? $10 की आए, मतलब मैंने उसको मिनिमम भी बता दिया कि भाई कोई भी ऑर्डर अगर $10 का हो, यानी कोई भी बंदा कुछ खरीदना चाहता हो तो $10 में अगर हो वो मिनिमम, तो वो मुझे रिक्वेस्ट आ जाया करे। अब एक बंदा जो है वो खुद से एक बायर है फाइवर के ऊपर, वो परचेज करना चाह रहा है और वो कहता है कि मुझे ऐसा सेलर चाहिए जो $10 में बेच रहा हो अपनी सर्विसेज को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक इनिशियल क्राइटेरिया पूरा हो गया, मुझे उसकी रिक्वेस्ट आ सकती है। अब ये रिक्वेस्ट मैनुअल नहीं है, ये रिक्वेस्ट अब आपको कैसे आ रही है? अभी मैं आधा आधा हिस्सा बताया, ये रिक्वेस्ट आपको कैसे आ रही है? ये रिक्वेस्ट आपको फाइवर भेज रहा है। बायर रिक्वेस्ट में क्या था, वो मैनुअल थी, वो खुद से आप भेजते होते थे कि ना मुझसे परचेज करना है आपने। अब क्या होगा कि जैसे ही मैंने इसको ऑन कर दिया, अभी मैं सपोज बायर बन के कोई रिक्वेस्ट करूं, बायर बन के रिक्वेस्ट करूंगा ना, तो धड़ाधड़ मुझे मैसेज आने शुरू हो जाएंगे कि जनाब इतने सारे सेलर्स आ जाएंगे मेरे पास। बेसिकली वो कैसे आएंगे? वो ब्रीफ की वजह से। अब दूसरा क्राइटेरिया कहां से पूरा होगा? दूसरा क्राइटेरिया पूरा होगा मेरी गिग से। मेरी गिग में क्या लगा हुआ है? टाइटल,
मेरी गिग में क्या लगा हुआ है, इमेजेस, मेरी गिग में लगी हुई है डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स। अब दूसरी तरफ बायर बैठा हुआ है, वो ये कह रहा है मुझे ये चीज खरीदनी है जो उसने टाइटल में लिख दिया है, वो ये कह रहा है मुझे ये खरीदना है जो उसने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, वो कह रहा है मुझे ये खरीदना है वो उसने अपने कीवर्ड्स में लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, साथ उसने पैसे भी बता दिए, इधर मैंने भी बता दिया कि मेरे ब्रीफ्स के हैं $10 और मेरी गिग भी लगी हुई है। अब क्या हुआ, मेरा मेरी गिग मैच कर गई उसकी रिक्वेस्ट के साथ, फाइवर क्या करेगा, मुझे मैसेज भेजने शुरू हो जाएगा कि जनाब एक बायर है जो आपसे काम करवाना चाह रहा है, अब मैं उससे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर लूंगा। अब ये दूसरा तरीका है, एक तरीका क्या है कि बायर क्लिक कर रहा है आपके ऊपर, ऐसे ही है ना। अब हम इस तरीके में हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो बायर है उसने मेरे इंप्रेशन पे क्लिक नहीं किया, बल्कि एक बायर ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि मुझे ये काम करवाना है, वो आपसे कोई काम लेना चाह रहा है। तो फाइवर ने क्या किया कि जो जो लोग वो सर्विसेज दे रहे थे उन सबको रिक्वेस्ट भेज दी, यानी मैसेज फाइवर की तरफ से चला गया, लेकिन किसके बिहाफ पर गया, उस बायर के बिहाफ पर गया। आप जो जवाब देंगे वो किसको जाएगा, बायर को जाएगा, ठीक है। अब बायर का जब आपको मैसेज आ जाएगा एज ए सेलर, ठीक है, आप ये एक्सपीरियंस करके देख लेना, ठीक है। एक बायर रिक्वेस्ट, आपने अपना बायर का अकाउंट खोलना है और एक बायर रिक्वेस्ट भेज देनी है, फिर आपने देखना है कि अगले ही दिन उस वक्त तक आपको कितनी रिक्वेस्ट आई होंगी। लेकिन ये काम आपने अपने अकाउंट से नहीं करना, ठीक है, इसलिए कि उधर से अगर आप करोगे ये काम तो आप डिले करोगे तो रिस्पॉन्स रेट आपका खराब होगा। आपने अपना रिस्पॉन्स रेट नहीं खराब करना, क्योंकि अगर आपका रिस्पॉन्स रेट खराब हो गया तो एक क्राइटेरिया आप खराब कर बैठेंगे ना अपना, इसलिए ये टेस्ट करना होगा। तो कोई एक नया अकाउंट बनाइएगा, वहां पर आप सिर्फ बायर ही रहें, बायर के तौर पर एक बायर रिक्वेस्ट भेजें और देखिएगा फिर आपको कितने सारे सैलरीज के मैसेज आने शुरू हो जाएंगे खुद से। समझ आई ये क्या चीज है, ब्रीफ की समझ में आ गई है, ये ऐसे होगी ऑफ, जब आप इसमें आओगे ना तो ये ऑफ होगी बिल्कुल। अच्छा, यहां से मैं जाता हूं क्रिएट न्यू गिग पर। आ गया, यहां पर वो क्या कह रहा है, भाई गिग लगानी है आपने, आई विल, ये आई विल तो उसने पहले से लिख कर दे दिया है कि जनाब मैं आपको ये सर्विसेज देने लगा हूं। अब हमने आगे क्या करना है, टाइटल लेना है। अब आपको टाइटल कहां से लेना है, टाइटल को समझ लें, यहां आकर आपने देखना है कि जो टॉप रैंक हुई गिग्स हैं और अच्छी ऑप्टिमाइज गिग्स हैं, जिस सर्विस को आप सेल कर रहे हो उसके हिसाब से जो अच्छी ऑप्टिमाइज गिग है और उसके अंदर कीवर्ड भी होना चाहिए, तो आपने उसको टाइटल में लिया है। अब वो टाइटल में क्या लेना है, मिसाल के तौर पर ये क्या लिखा है, आई विल डिजाइन बिजनेस कार्ड विद टू कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसका क्या मतलब है, डिजाइनर बताए मुझे, डिजाइनर भाग तो नहीं गए सारे डिजाइनर, कहां गए, कोई डिजाइनर मुझे बताइए टू कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है। कुछ नहीं है, तुक्का ही मार लो यार, कोई मसला नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा आपको गलत बताने से। मैं कहा कुत्ते ही मान ले, डिजाइनर हैं कितने वैसे भाई साहब इस क्लास में, एक आप हैं और कौन है डिजाइनर जिन्होंने डिजाइनिंग की है, क्या कर रहे हैं, ये भी है, सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था ना, आप में से किसी ने नहीं था तोड़ा, नहीं दूसरा, ये क्वेश्चन है भाई, गलत बता दो यार, दूसरे लोग भी बता रहे मुझे, क्या समझ में आ रहा है इससे, यानी कि दो सिंपल सी बात है कि भाई दो कॉन्सेप्ट के साथ आपको दिखाएगा कि भाई ये वाला पसंद कर लो, यहाँ ये वाला पसंद कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या करें, तीन कर दें इसको, मैं क्या, हम इसको तीन कर दें, थोड़ी सी हमारी ऑफर ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, ठीक है, समझ में आ गई है। तो वहां पर जाकर हमने पहले मर्ज, अभी नहीं मैं बना रहा गिग, फिर अगले क्लास में जाएगी। अब जरा इधर आए वापस, आगे क्या लिखा हुआ है जी, आगे लिखा हुआ जी कैटेगरी कौन सी में आपने आना है, आई विल डिजाइन, इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं और यहां लाकर इसको मैं पेस्ट करता हूं और इसमें थोड़ी सी चेंज करते हैं, क्या चेंज करें, तीन लिख दूं, ना करो यार बस, ठीक है, चलिए जी। अब आगे क्या चीज आ गई है, क्या कहता है, 80 कैरेक्टर्स में आप अपना टाइटल लिख सकते हैं, टाइटल को लंबा चौड़ा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और कॉन्टेक्चुअल भी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम कीवर्ड्स को ढूंढ ढूंढ के ला रहे हो लेकिन कॉन्टेक्स्ट ना बन रहा हो हमारा, सो कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए। उसके बाद आगे क्या कह रहा है जी, सिलेक्ट कैटेगरी, आ जाए इधर जरा वापस, कौन बताएगा मुझे, कौन थी, ग्राफिक एंड डिजाइन ऊपर आ रही थी सबसे ऊपर, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है नीचे देखें,
कहते अगर आप चाहते हैं मेहनत नहीं करनी ज्यादा आपने, क्या ख्याल है इन तीनों में से कौन सी आ रही है आपके लिए? ठीक है, खुद ही उसने दे दिया सजेस्टेड में आपको, हमने एक टाइटल लिख दिया, कैटेगरीज बता दी अपनी। अच्छा और नीचे हैं, क्या कहता है क्या करने लगे हो भाई? बिजनेस कार्ड, ये क्या चीज है? चलो ठीक हो गया, अब आगे क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव कीवर्ड्स, कितने कीवर्ड्स आ सकते हैं यहाँ पे? फाइव टैग्स। ठीक है जी, कहते हैं यहाँ पर आपने अपने पॉजिटिव कीवर्ड्स लिखने हैं, यानी जो आपके कीवर्ड्स हैं इसके लिए वो कौन से हैं। आ जाए इधर वापस, कहाँ से शुरू की थी बात हमने? यहाँ से कीवर्ड्स भी मिल गए हमें, कितने चाहिए उसको? 5। 20 कैरेक्टर से बड़ा कीवर्ड भी नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है? 20 कैरेक्टर तक कीवर्ड होना चाहिए, 20 कैरेक्टर से बड़ा कीवर्ड ना हो। बिजनेस कार्ड लिखा हुआ आ रहा है, इसमें 36 हैं, सबसे ज्यादा हैं। बिजनेस कार्ड डिजाइन, ठीक है, चलो इधर आते हैं, हम कुछ टाइप कर देते हैं जी। बिजनेस कार्ड्स लिख दिया मैंने, और क्या था? और क्या था? बिजनेस कार्ड डिजाइन, बढ़ तो नहीं जाता? दो गए, और क्या था यहां कर देखें? विजिटिंग कार्ड, ऊपर क्या लिखा हुआ है हमने? बिजनेस कार्ड, इसका मतलब है जो टाइटल में कीवर्ड है क्या वो कीवर्ड्स में आ गए? ऊपर मैंने क्या लिखा था? बिजनेस कार्ड्स, नीचे मैंने बिजनेस कार्ड लिख दिया, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 हो गए पूरे। चलिए अब नीचे आए, यहां से हम सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। कितना ड्रा के रखा हुआ आपने स्टूडेंट्स को, आप लोगों से मैं कह रहा हूं। नहीं, 5 बजे मैंने क्लास बंद करनी है, लेकिन रोजा नहीं खोलना हमने। अगर थोड़ा सा आगे पीछे तो हो सकता है ना, फिर कुछ सेकंड्स, एक आधा मिनट आगे पीछे तो किया जा सकता है। अच्छा चलें जी, अब आ जाए आगे। नहीं नहीं, बस मैंने इतना ही कराना था, लेकिन मेरे कहने का मतलब है थोड़ा बहुत तो आगे पीछे होता है ना, तो ट्रेन भी सोनी है हमारी, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा नहीं, अब आपने करना है, मैंने कुछ नहीं कराना, आगे से आपका काम।